ऑडियो वन ऋग्वेद संहिता भाग दो, लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अथ तृतीयम मंडलम। सूक्त एक। ऋषि विश्वामित्र, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप। सोमस्य मा तवसम वक्ष्यग्ने वहिनम चकर्थ विदथे यजध्यै देवान अच्छा दीद्य धुज्जे अद्रिम शमाए अग्ने तन्वम जुषस्व। हे अग्निदेव, आपने यज्ञ में यज्ञादि कार्य के लिए हमें सोमरस का वाहक बनाया है, अतेव हमें समुचित बल भी प्रदान करें। हे अग्निदेव, हम तेजस्विता पूर्वक देव शक्तियों के लिए सोमरस निकालने के कार्य में कूटने वाले पाषाण को नियोजित करके आपकी स्तुतियां करते हैं। आप शरीर को पुष्ट करने के लिए इसे ग्रहण करें। प्रांचम यज्ञम चक्रम वर्धताम गीह समिद्धिरग्निम नमसा दुवस्यन दिवह शशासुर्विदथा कवीनाम ग्रत्साय चित्तवसे गातुमीशु। हे अग्निदेव, समिधाओं और हव्यादि द्वारा आपको पुष्ट करते हुए हमने भली प्रकार यज्ञ संपन्न किया है। हमारी वाणी स्तुतियों के प्रभाव का संवर्धन हो। देवताओं ने हम स्तोताओं को यज्ञादि कर्म सिखाया है, अतः हम स्तोता अग्निदेव की स्तुति करने की इच्छा करते हैं। मयो दधे मेधिरह पूत दक्षो दिवह सुबंधुर जनुषा पृथिव्यः अविन्दत्रु दर्श तमपस्व अंतर्देवासो अग्निमपसी स्वस्रणा। ये अग्निदेव मेधावी, विशुद्ध, बल संपन्न और जन्म से ही उत्कृष्ट बंधुत्व भाव से युक्त हैं। ये द्युलोक और पृथ्वीलोक में सर्वत्र सुख स्थापित करते हैं। प्रवाहमान धाराओं के जल में गुप्त रूप से स्थित दर्शनीय अग्निदेव को देवों ने यज्ञार्थ खोज निकाला। अवर्धयंत सुभगम सप्त यवी श्वेतम जज्ञान मरुषम महित्वा शिशुम न जातम अभ्यारुरश्वा देवासो अग्निम जनिमन्व पुष्यन। शुभ्र धन संपदा से युक्त उत्पन्न अग्नि ऊर्जा को प्रवाहशील महान नदियों ने प्रवर्धित किया। जैसे घोड़ी नवजात शिशु को विकसित करती है, उसी प्रकार अग्नि के उत्पन्न होने के बाद देवों ने उसे विकसित संवर्धित किया। शुक्रे भी रंग ही रज आत तनवान क्रतुम पुनानः कविभिः पवित्रैः शोचिर वसानः पर्यायुरपाम श्रियो मिमीते बृहतीर नूनः। शुभ्र वर्ण तेज के द्वारा अंतरिक्ष को व्याप्त करके ये अग्निदेव यज्ञ कर्म संपादक यजमान को पवित्र और स्तुत्य तेजों से परिशुद्ध करते हैं। प्रदीप्त ज्वाला रूप आच्छादन को ओढ़कर ये अग्निदेव स्तोताओं को विपुल अन्न और पर्याप्त ऐश्वर्य संपदा से समृद्धि प्रदान करते हैं। वव्राजा सीमन दतीर दब्धा दिवो यवीर वसाना अनग्नहा सना अत्र युवतयः सयोनि रेकम गर्भम दधिरे सप्तवाणी। स्वयं नष्ट न होने वाले तथा जल को हानि न पहुंचाने वाले ये अग्निदेव सब ओर विचरण करते हैं। वस्त्रों से आच्छादित न होने पर भी नग्न न रहने वाली सनातन काल से तरुण एक ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न प्रवाहमान जल धाराएं एक ही गर्भ अग्नि को धारण करती हैं। स्त्रीणाम अस्य सहतो विश्वरूपा घृतस्य योनो स्त्रवथे मधुनाम अस्थुरत्र धेनवः पिन्व माना मही दस्मस्य मात्रा समीची। इस अग्नि की नाना रूपों वाली संगठित किरणें जब फैलती हैं, तब पोषक रस के उत्पत्ति स्थान से मधुर वर्षा होती है। सबको तृप्ति देने वाली किरणें यहाँ विद्यमान रहती हैं। इस अग्नि के माता पिता पृथ्वी और अंतरिक्ष हैं। बभ्राणः सूनो सहसो व्यध्योद्धधानः शुक्रा रभसा वपुंषी श्रोतन्ति धारा मधुनो घृतस्य वृषा यत्र वावृधे काव्येन। हे बल के पुत्र अग्निदेव,
सबके द्वारा धारण किए जाने योग्य आप उज्जवल और वेगवान किरणों द्वारा प्रकाशमान हो। जिस समय स्तोतागण स्त्रोत्रों से आपको प्रवर्धित करते हैं, उस समय वे मधुर घृत धाराएं सिंचित करती हैं अथवा पुष्टिकारक जल धाराएं बरसती हैं। पित्तुश्च दूधर जनुषा विवेद व्यस्य धारा असरजद्वी धेनहा गुहा चरंतम सखिभि शिवेभिर्देवो यभिर्न गुहा बभूव। अग्निदेव ने जन्म से ही अपने पिता अंतरिक्ष के निचले स्तर जल प्रदेश को जान लिया। अंतरिक्ष की जल धारा ने बिजली को उत्पन्न किया। अग्निदेव अपने कल्याण कर मित्रों और द्युलोक की जलराशि के साथ गुहा रूप में विचरते हैं। गुह्य रूप में स्थित उस अग्नि को कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। पितुश्च गर्भम जनितुश्च बभ्रे पूर्वोर रेको अध्यत्पि प्यानः वृषणे सपत्नी शुचये सबंधु उभे अस्मै मनुष्ये निपाहि। ये अग्निदेव पिता आकाश और माता पृथ्वी के गर्भ को पुष्ट करते हैं। एकमात्र अग्निदेव अभिवर्धित औषधि का भक्षण करते हैं। अभीष्ट वर्षा करने वाले ये अग्निदेव पत्नी सहित याजक के पवित्र कर्ता बंधु सदृश हैं। हे अग्निदेव, ध्यावा पृथ्वी में हम यजमानों को रक्षित करें। उरौ महाम अनिबाधे ववर्धापो अग्निम यशसह सम हि पूर्वी ऋतस्य योनावश यद्य मुना जामीनाम अग्निर्पसी स्वसृणाम। महान अग्निदेव अबाध और विस्तीर्ण पृथ्वी में प्रवर्धित होते हैं। वहां बहुत अन्न वर्धक जल समूह अग्नि को संवर्धित करते हैं। जल के उत्पत्ति स्थान में स्थित अग्निदेव परस्पर बहिन रूप नदियों के जल में शांतिपूर्वक शयन करते हैं। अक्रो न बभ्रीह समिथे महीनाम दिद्रक्षे सूनवे भारजीकः उदुस्त्रिया जनिता यो जजानापाम गर्भो नृत्मो यव्वो अग्निः। ये अग्निदेव सबके पिता रूप जल के गर्भ में गुह्य स्थित मनुष्यों के हितकारी संग्राम में युद्ध कुशल अपनी सेना के पोषक सर्वदर्शनीय तथा अपने तेज से दीप्तिमान हैं। उन्होंने अपने पुत्र रूप यजमान के लिए पोषण की क्षमता उत्पन्न की। अपाम गर्भम दर्शतमोष धीनाम वना जजान सुभगा विरूपम देवासश्चिन मनसा सम हिम जगमुहु पनिष्ठम जातम तवसम दुवस्यन। उत्तम ऐश्वर्य युक्त अरणि ने दर्शनीय विशिष्ट रूपवान तथा जलों और औषधियों के गर्भभूत अग्निदेव को उत्पन्न किया है। संपूर्ण देवगण भी उस स्तुत्य बलशाली और नवजात अग्निदेव के पास स्तुतियां करते हुए पहुंचे। उन्होंने अग्नि की सम्यक सेवा की। ब्रहंत इध्वानवो भार्जीक मग्नि सचंत विद्युतो न शुक्रहा गुहेव वृद्धम सदसी स्वे अंतर पार उर्वे अमृतम दुहानः। विद्युत की भांति अत्यंत कांतिमान महान सूर्यदेव की किरणें अगाध समुद्र के बीच अमृत रूप जल का दोहन करती हैं। वे किरणें गुहा के समान अपने सदन अंतरिक्ष में भरती हुई प्रभा युक्त अग्नि का आश्रय प्राप्त करती हैं। समुद्र का जल सेवन योग्य नहीं होता, किंतु किरणें उसका दोहन करके सेवन योग्य अमृत तुल्य जल को प्राप्त कर लेती हैं। ईले च त्वा यजमानो हविर भिरीले सखित्वम सुमतिम निकामः देवैर्वो मिमीह सम जरित्रे रक्षा चनो दम्ये भिर्नीक है। हे अग्ने, हम यजमान हव्यादि द्वारा आपकी सम्यक स्तुति करते हैं। हम उत्तम बुद्धि की कामना करते हुए आपसे मित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। देवों के साथ आए हम स्तुति करने वालों की रक्षा करें और दुर्दम्यों से हमारी रक्षा करें। उपश्वेतारस्तव सुप्रणीतग्ने विश्वानी धन्या दधानः सुरे तसा श्रवसा तुंज माना अभिश्याम प्रतनायूर देवान। हे उत्तम नियामक देव अग्ने, आपके आश्रय में रहने वाले
हम संपूर्ण धनों को धारण करते हुए आपके अनुग्रह से पुष्ट समृद्ध होते रहें। हम उत्तम पुष्टिदायक अन्नों से युक्त होकर देव विरोधी शत्रुओं को पराजित कर सकें। आ देवानाम भवः केतुरग्ने मंद्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान् प्रतिमर्ता अवासयो दमूना अनु देवान थिरो यासे साधन। हे अग्निदेव, आप देव कार्यों के प्रतीक रूप में अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। आप संपूर्ण स्तोत्रों के ज्ञाता हैं। आप मनुष्यों को उनके अपने घरों में आश्रय देने वाले हैं। उत्तम रथों से गमन करने वाले आप देवों के कार्य में उनका अनुगमन करते हैं। निद्रोणे अमृतो मर्त्यानाम राजा ससाद विदथानी साधन घृत प्रतीक उर्विया वैध्योदग्निर विश्वानी काव्यानी विद्वान। अविनाशी और दीप्तिमान अग्निदेव यज्ञ के साधन रूप में प्रयुक्त होते हैं और मनुष्यों के घरों में अधिष्ठित होते हैं। ये संपूर्ण स्तोत्रों के ज्ञाता हैं। घृत द्वारा प्रदीप्त काया से अग्निदेव विशेष प्रकाशित होते हैं। आनो गही सखिये भी शिवेर भी महान मही भीरुति भी सरण्यन अस्मे रयम बहुलम संत रुत्रम सुवाचम भागम यशसम क्रधी नह। सर्वत्र विचरणशील हे महान अग्ने, आप अपनी मंगलमय मैत्री और महती रक्षण सामर्थ्यों के साथ हमारे पास आए और हमें उपद्रव रहित उत्तम स्तुति के योग्य यशस्वी धन विपुल मात्रा में प्रदान करें। एता ते अग्ने जनिमा सनानि प्र पूवर्याय नूतनानि वोचम महांति वृषणे सवना कृतेमा जन्म जन्मनन निहितो जात वेदः। हे अग्ने, पुरातन पुरुष रूप में सनातन और नूतन स्त्रोत्रों से आपकी स्तुति की जाती है। सभी जन्म लेने वाले प्राणियों में सन्निहित हे शक्तिशाली अग्निदेव, हमने आपके निमित्त महान यज्ञों को संपन्न किया है। जन्मन जन्मन निहितो जात वेदा विश्वामित्रे भिरिद्यते अजस्त्रः तस्य वयम सुमतो यज्ञस्यापि भद्रे सोमनसे स्याम। संपूर्ण प्राणियों में निहित सर्वभूत ज्ञाता अग्निदेव विश्वामित्र वंशजों द्वारा सर्वदा प्रदीप्त होते रहे हैं। हम उस यजनीय अग्नि के कल्याणकारी अनुग्रहों के अनुगत बने रहे। इमं यज्ञं सहसावन त्वं नो देवत्रा देहि सुक्रतो रणाह प्रयंसि होतर बृहति ऋषो नो अग्ने महि द्रविणमा यजस्व। हे बलवान और उत्तम कर्मा अग्निदेव, आप हमारे हव्यादि से हर्षित होकर हमारे यज्ञ को सब देवों तक पहुंचाएं। हे देवों के आह्वाता अग्निदेव, आप हमें विपुल लन्नादि प्रदान करें। हमें प्रभूत धनों से युक्त करें। इला मग्ने पुरुदंसम सनिम गोह शशक्तम हवमानाय साध स्यान्नह सूनुस्तनयो विजावाग्ने साते सुमर्ति भूतरस्मे। हे अग्निदेव, आप यज्ञादि कार्य के लिए अनेक सत्कर्मों के लिए और गौओं के पोषण आदि के लिए उत्तम भूमि हमें प्रदान करें। हमारे पुत्र वंश की वृद्धि करने वाले हों। आपकी वह सुमति हमें भी प्राप्त हो।